क्वेश्चन नंबर 56 में स्टेटिस्टिक्स uh, का क्वेश्चन ही मान सकते हैं प्रोबेबिलिटी भी मिक्सड है थोड़ा एक बॉक्स है जिसमें पंद्रह ग्रीन और दस येल्लो बॉल्स हैं अब हम क्या कर रहे हैं इस बॉल में से uh, इस बॉक्स में से एक एक करके बॉल्स निकाल रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट मतलब एक बॉल निकालेंगे फिर रिप्लेस करेंगे एक बॉल निकालेंगे फिर रिप्लेस करेंगे और ये एक्टिविटी हम टोटल टेन टाइम्स कर रहे हैं अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है वेरिएंस ऑफ ग्रीन बॉल तो हम इसको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं ग्रीन एज हेड एंड येल्लो एज टेल तो मोर और लेस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रेफर uh, कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वेरिएंस का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इट इज गिवन बाय एन पी क्यू जहां एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स पी इज द चांसेस ऑफ सक्सेस एंड क्यू इज फेलियर एन जो कि दिया हुआ है ये टेन टाइम्स कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो हम लोग ग्रीन का वेरिएंस निकाल रहे हैं so, तो हम लोग अगर एक टर्न में देखें कि ग्रीन के आने के चांसेस तो so 15 अपॉन 25 सो दिस विल बी पी एंड दिस इज नथिंग बट 3 अपॉन 5 सो so, 3 अपॉन 5 इज द चांसेस ऑफ सक्सेस सो व्हाट इज द चांसेस ऑफ दिस फेलियर दिस इज 2 अपॉन 5 एंड दिस वी कैन सी इज ट्वेल्व अपॉन फाइव सो वी कैन सी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू 57 एलिप्स का एक सवाल है जिसमें एक्सेंट्रिसिटी हाफ दी हुई है सेंटर जो है एलिप्स का जीरो जीरो दिया हुआ है डायरेक्टिक्स इज एक्स इक्वल टू माइनस फोर और एलिप्स के इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है इसमें हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर सेंटर इज जीरो जीरो एंड वन ऑफ द डायरेक्टिक्स इज एक्स इक्वल टू माइनस फोर द अदर डायरेक्टिक्स इज सिंपली एक्स इक्वल टू वर्ड फोर नौ हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर हम सेंटर जीरो जीरो देख रहे हैं तो हमारा जो स्टैंडर्ड एलिप्स है उसके हिसाब से ये इक्वेशन आती है माइनस ए अपॉन ई तो हम लोग यहां पे क्या बोल सकते हैं कि माइनस ए अपॉन ई इज माइनस फोर माइनस इज गॉन और हम ई e की वैल्यू यहां से देख सकते हैं हाफ सो व्हाट इज ए ए विल बी टू और ए बी और ई e के बीच में एक रिलेशन हम लोगों को पता है दैट इज बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर टाइम्स वन माइनस ई स्क्वायर तो यहां पे देख सकते हैं क्या जो ए स्क्वायर होगा दिस इज फोर एंड दिस इज वन माइनस वन बाई फोर सो दिस विल बी थ्री तो इक्वेशन जो होगा एलिप्स का दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए स्क्वायर इज फोर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज थ्री इक्वल टू वन अब इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो हम लोग नॉर्मल के स्लोप के बारे में सोचें हम लोग यहां पे इसको डिफ्रेंशिएट करके पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं तो दिस इज टू टाइम्स एक्स अपॉन फोर और किस पॉइंट पे निकालना एट दिस पॉइंट? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन प्लस टू अप थ्री वाई वाई कितने के बराबर है थ्री बाई टू इन टू वाई डैश इक्वल टू जीरो गया दिस इज टू टाइम्स तो वाई डैश एट वन कॉमर थ्री बाई टू गोइंग टू बी माइनस हाफ ये टेंजेंट का स्लोप होगा नॉर्मल का स्लोप विल बी टू सो द इक्वेशन विल बी वाई माइनस थ्री वाई टू इक्वल टू टू टाइम एक्स माइनस वन सो दिस माइनस थ्री इक्वल टू फोर एक्स माइनस फोर सो दिस विल फोर एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू वन तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा दैट इज गोइंग टू बी फोर एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू वन और ऑप्शन से हम देख सकते हैं द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थ्री